दोस्तों पूरी दुनिया सदियों से गोल्ड के पीछे भागती रही है। हम सब जानते हैं कि गोल्ड बहुत ही मूल्यवान धातु है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे मिट्टी से निकलकर सोना अपने असली रूप में आता है, कैसे बनते हैं सोने के बिस्किट्स, सोने के सिक्के और कैसे तैयार किया गया दुनिया का सबसे बड़ा 1000 किलो का सोने का सिक्का। गोल्ड अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में अधिकतर पाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में होता है। यहाँ पर पूरी दुनिया का 14% सोना निकलता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर अब सोने की कोई खान नहीं है। कर्नाटक में कोलार खान ही भारत की एकमात्र सोने की खान थी, जिसमें से साल 1956 से लेकर साल 2001 तक लगभग 9 लाख किलो सोना निकला। लेकिन साल 2001 में कोलार माइंस को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें से सोना निकलना ही बंद हो गया था। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि सोना जमीन के अंदर आखिर बना कैसे। दरअसल आज से कई अरबों साल पहले जब हमारी जमीन आकार पा रही थी, तो उस समय उल्कापिंडों और पत्थरों की बमबारी की वजह से ये धातुएं भी जमीन पर आईं। ये बमबारी 200 मिलियन सालों तक जारी रही और जमीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा जमीन के अंदर धंस गया और इससे जमीन का कोर बना और बहुत सी धातुएं जमीन में ही रह गईं। दूसरे ग्रहों से आने वाली ये धातुएं बेहद कीमती थी। इनमें गोल्ड और प्लेटिनम भी था, जिनका कुल वजन अरबों टन था, क्योंकि ये तमाम कीमती मेटल्स जमीन के अंदर दबी हुई थी। करोड़ों सालों तक ये खजाना इंसानों की पहुंच से दूर पड़ा रहा, लेकिन पिछली सदी में इन कीमती धातुओं जैसे गोल्ड को निकालने का चलन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ शुरू हुआ। अब आइए जानते हैं कि जमीन के अंदर से सोना तलाश कैसे किया जाता है। ये काम भी बिल्कुल तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए ही होता है। इस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड प्री रीडिंग रडार यानी GPR कहा जाता है। GPR उस इलाके की खुशबू CR को रिकॉर्ड करता है, जिसके आधार पर पता चलता है कि इस जमीन में कौन कौन सी धातुएं मौजूद हैं। ये अंदाजा लगाने के बाद इस काम के लिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के रेशे तलाश करने के लिए BLF टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए जमीन के अंदर लहरें भेजी जाती हैं और जब ये लहर किसी धातु से टकराती हैं तो इसमें एक गूंज पैदा होती है और इसी से अंदाजा लगाते हैं कि जमीन के अंदर कुछ है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई मुंह उठाकर इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की तलाश के लिए निकल पड़े, बल्कि ये काम सरकार की इजाजत से ही होता है और इस तरह का काम सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को ही सौंपा जाता है। दोस्तों जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ये कंफर्म कर देती है कि इस जमीन के नीचे गोल्ड मौजूद है, तो फिर इसे जमीन से निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है और किस चट्टान को तोड़ना है इसका फैसला भी जियोलॉजिस्ट करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खोदाई करने के बाद गोल्ड के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सोना निकालने वाली कंपनीज को गोल्ड वाले इलाके में 300 से 500 मीटर की गहराई तक जमीन को खोदना पड़ता है और उस गहराई से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं, और वो इसलिए कि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता। उसके बाद इन पत्थरों को बाहर निकालकर मशीन की मदद से बारीक रेत में पीस लिया जाता है। इस काम को करने में कई घंटे लग सकते हैं। फिर इन पत्थरों और सोने के छोटे छोटे कणों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है और इस काम के लिए खास वाइब्रेटिंग टेबल यूज की जाती है। इस टेबल पर एक कंबल नुमा कपड़ा बिछा होता है, उसे गीला कर दिया जाता है, फिर रेत की तरह पिसे हुए इन पत्थरों को उस कपड़े पर बिछा दिया जाता है और जब गीले रेत को उस कंबल पर से गुजारते हैं तो गोल्ड के पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं और बाकी का पत्थर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है, जिससे गोल्ड और पत्थर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। गोल्ड हासिल करने का अगला स्टेप इस कंबल को धोना है। पानी में कंबल को धोने से सोने के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उसके बाद इन पार्टिकल्स को पिघलाकर उनको बिस्किट, प्लेट्स और अलग अलग शेप्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों अगर सोना हमारे द्वारा बताए गए तरीके से आराम से निकल आए, तो फिर कीमती मशीनों और तरीकों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर सोना ना मिले तो फिर उसके बाद 3 अलग अलग कीमती तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पहला तरीका पोटेशियम साइनाइड, दूसरा गमेशियन प्रोसेस ऑफ गोल्ड और तीसरा तरीका फ्लोटिंग प्रोसेस ऑफ गोल्ड है, जिनसे हासिल हुआ सोना एकदम प्योर और ठोस होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गोल्ड के इन बिस्किट्स और स्लेट्स के अलावा जो जेवरात आप खरीदते हैं उनमें आपको सोना प्योर नहीं मिलता। लेकिन घबराइए नहीं, इसकी वजह ये होती है कि प्योर सोने से कोई भी चीज बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है।
इसलिए इसे कठोर करने के लिए इसमें दूसरी कोई धातु कुछ मात्रा में मिलानी पड़ती है, तब जाकर इससे जेवर बनाए जाते हैं। और कठोर बनाने के लिए जितनी मात्रा में सोने में अन्य धातु डाली जाती हैं, उससे ही सोने का कैरेट डिसाइड होता है, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। रॉ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले तो गोल्ड बिस्किट्स या पुरानी ज्वेलरी को एक भट्टी में पिघला दिया जाता है। इस भट्टी का तापमान लगभग 1943 डिग्री से ज्यादा होता है। इस तापमान पर सॉलिड गोल्ड चंद मिनटों के अंदर पिघलकर लिक्विड में बदल जाता है। फिर इस पिघले हुए गोल्ड को मनचाहे सांचों में डालकर इन्हें आकार दे दिया जाता है। पर ज्यादातर गोल्ड को गोल्ड बार की शेप्स में ही बनाया जाता है। अब दोस्तों, गोल्ड मेकिंग फैक्ट्री का यहाँ तक का प्रोसेस देखा जाए तो बिल्कुल लगता है कि ये कोई खाना पकाने जैसा आसान काम ही है, लेकिन असल काम इसके बाद शुरू होता है, जिसमें गोल्ड से बनी इन रॉ चीजों के ऊपर पॉलिश और इनकी रगड़ाई और डिजाइन बनाना होता है। गोल्ड के रिंग हो या कड़े, इनकी डिजाइन और इन पर पॉलिश मशीन के जरिए भी की जाती है और हाथों से भी। मशीन के जरिए ज्वेलरी मेकिंग का प्रोसेस ज्यादा फास्ट भी होता है और इसमें गोल्ड की वेस्टेज भी बहुत कम होती है। दुनिया भर में कई ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जिनमें एक एक किलो सोने की बार से लेकर चंद ग्राम की गोल्ड रिंग भी तैयार की जाती है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री से इस गोल्ड को फिर से बॉक्स में बंद करके हिफाजत के साथ दुकानों पर सप्लाई कर दिया जाता है, जहां से लोग उस दिन के गोल्ड के रेट के मुताबिक इन्हें परचेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे भारी सोने के सिक्के की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सोने के सिक्के का निर्माण ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये सोने का सिक्का 1000 किलो का है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। इतना बड़ा और भारी सोने का सिक्का बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। चलिए देखते हैं आखिर इस सिक्के को किस तरह बनाया गया। सबसे पहले इस सिक्के की मोटाई, चौड़ाई और सिक्के पर बनाए जाने वाले डिजाइन को कंप्यूटर पर तैयार किया गया। इस सिक्के के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल कंगारू को बनाना था, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के फेस को बनाना था। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर काम करने वाली CNC मशीनों का प्रयोग करके सिक्के के लिए खांचा तैयार किया गया। अब इस सांचे में 1000 किलो से कुछ अधिक भार का पिघला हुआ सोना डाला गया। ये देखिए, जब इस खांचे को ठंडा करके खोला गया तब सोने का सिक्का इस प्रकार से दिखाई दिया। इसके बाद शुरू हुआ हाथ का काम। इस सिक्के पर कुशल कारीगरों ने बारीक काम किया। सिक्के के किनारों पर बनने वाली रेखाओं को मशीन का प्रयोग करके बनाया गया। कई दिनों की मेहनत और बारीक काम करने के बाद तैयार हो पाया ये दुनिया का सबसे भारी 1000 किलो सोने का सिक्का था। तो दोस्तों, ये थी गोल्ड पर हमारे चैनल की एक डिटेल रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।